किया था, कांग्रेस भी उससे सहमत नजर आ रहा है, उन्होंने लाइक किया है, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं नहीं, पूरा प्रदेश सहमत है, कांग्रेसी हो बीजेपी हो, अंतरात्मा की आवाज़ जब सामने आती है और जब घर परिवार और परिवेश देखते हैं और छत्तीसगढ़ का हित देखते हैं, तो कांग्रेसी भी ऐसे हैं लोग जो राजनीति से हट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ताकत रखते हैं। मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम सच्चाई के लिए सामने आ रहे हैं और जो वादा किया था उनको ये लगता है कि वादा तो हमने किया था, उस वादा को हम तोड़ रहे हैं, तो उनके मन में भी पीड़ा होती है, वो पीड़ा की अभिव्यक्ति है। वो दिल्ली जा रहे हैं सर, कुछ महत्वपूर्ण? दिल्ली में जा रहा हूँ, चूँकि 8 महीने हो गए थे दिल्ली गए, तो कुछ संगठन के दृष्टि से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया है, माननीय संतोष जी से समय मांगा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बाकी लोगों से, और कुछ अन्य विषय को लेकर भी चर्चा। सर, प्रदेश में हो रहे अपराध को लेकर कल गृह मंत्री ने कहा कि हम जनता ही हमको बताए कैसे रोके अपराध। अब ये बड़ी मासूमियत की बात है कि गृह मंत्री जी जनता से पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी जनता से पूछते हैं और बीजेपी के बोलते हैं कि इसको ठीक करो, तो भाई जवाबदारी गृह मंत्री की है, गृह मंत्री को स्टेट के इस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति की चिंता करनी चाहिए और यहाँ से लेकर बस्तर तक स्थिति हाथ से बाहर निकल रहा है। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू कुछ लोगों की मौत हुई है, 3 जगह पुष्टि भी हो चुकी है, क्या लग रहा है स्थिति को देखते हुए? नहीं, सावधानी बरतना चाहिए, टेस्ट जितना ज़्यादा हो सकता है करना चाहिए, कौवे की मौत हो या उल्ली की मौत हो, मगर ये यदि इसका स्वरूप बढ़ जाएगा तो ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक। ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज किसानों के मुद्दे पर और एक चीज़ उन्होंने ये कही कि देश को 4-5 लोगों के हाथों ही बेच दिया गया है, किस तरीके से स्टिक किसानों से लगातार चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है और रास्ता निकलेगा। ये बाधा डालने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहे, इसलिए ऐसे प्रकार के बयान आते हैं। सर, ये आखिरी सवाल ये है कि पीएससी ने एक बयान दिया है कि अगर केंद्र सरकार अपने अनुबंध के अनुसार धान नहीं खरीदता तो 2000 करोड़ रुपये का राज्य को नुकसान होगा, क्या कहना चाहिए? भाई अनुबंध के हिसाब से और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो जनता से वादा किया था वो वादा भूल रहे हो क्या? केंद्र को सब वादा याद दिलाते हो और आपने जनता के सामने लिख के जो वादा किया है उस वादे को निभाने के लिए तो आप काम करिए। थैंक यू।